आपने जिस वक्त अल्लाह दी वही अल्लाह दा पैगाम अहले मक्का नूं सुनाया और ओ अहले मक्का जिन्ना ने अल्लाह दे घर बैतुल्लाह शरीफ दे अंदर 360 इहदे कमों पेश अपने खुदा अपने हत्थां दे नाल तराश के रखे हुए सन, उन्हां दी इबादत उन्हां नूं मुश्किल कुशा अपना हाजत रवा और बिगड़ी बनाण वाला उह समझदे सन। उन्हां दा जिस वक्त रसालत माब अलैहिस्सलाम ने इनकार कीता और अपनी कौम नूं हकीकी अल्लाह और हकीकी दाता मुश्किल कुशा दी तरफ दावत दित्ती, तो अहले मक्का ने जो जवाबी किरदार अदा कीता, जो जुल्मो तशद्दद और जो ताने अल्जामबाजी अल्जाम तराशियां कीतियां और उहदे मुकाबले ते आमना दे लाल पैकरी हुस्नो जमाल सहबे शर्फो कमाल पैगंबरे ला मसाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना किरदार पेश कीता, इस हवाले नाल चंद मैं मारूजात जिहड़ियां ने किताबो सुन्नत दी रोशनी दे अंदर आप हजरात दी खिदमत दे अंदर पेश करन दी कोशिश करांगा। अल्लाह दे कोलो दुआ ये है कि अल्लाह पाक सुनन सुनाउण तो बाद अमल दी तौफीक अता फरमाए। और शुरू तो ही मैं एक बात इतराफ़े हकीकत अर्ज कर देवां ते मुनासिब समझना, साडी जमात दे मशहूर साथी मुहिब्बे उलमा खादमे दीन जनाब हाजी तनवीर अहमद साहब, अल्लाह पाक उन्हां दियां मुहब्बतां नूं कबूलो मंजूर फरमाए। ये इतना खूबसूरत माशाअल्लाह अल्लाह दा घर बनाया, फिर आप हजरात खूबसूरत माशाअल्लाह खिले होए, ये गुलस्तान दे फुल जड़े ने इन्हां दे नाल उन्हां दी वसादत दे नाल जड़ी अज गुफ्तगू और ज़ियारत हो रही है, अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक उन्हां नूं अपनियां रहमतां दे नाल नवाजे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आमद मुबारक तो पहला और जनाबे सैयदना हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम दे जिंदा आसमान ते ठाए जान तो बाद इस तवील अरसा दे अंदर अल्लाह पाक ने कोई नबी नहीं दुनिया दे अंदर भेजिया, जिस दी वजह दे नाल अहले जमीन दी हालत इंतहाई नागुफ्ता हो चुकी सी, उफके आलम दे कुफर और शिरक जड़ा सी छाया होया सी, जुलम जुलम व सितत वाशत व बराबियत और फुस्को फजूर जड़ा ये आम हो चुके सी। औरतां नूं बाजारां दे अंदर भेड़ और बकरियां दी तरह फरोहत कीता जा रहा सी, मासूम बच्चियां नूं अये जिसले पैदा ही होंदियां सन तो उन्हां दा गला घुट दिता जांदा सी या उन्हां नूं किसे गहराई दे विच जाके फेंक दिता जांदा सी। अदलो इंसाफ शराफत अमानत और दयानत मसावात भाईचारा ये तकरीबन ख़त्म हो चुके सी। जुल्मो सितम दियां बिजलियां जड़ियां ने कौन दियां ने पिया, किथे पीने पलाण दे उत्ते कतलो गारत हो रही है, किथे को घोड़ा दौड़ान लग्या किसे दा अग्गे लंघ गया ते उनू कतल किया जा रहा है, गरीबां नू मजीद दबाया जा रहा सी, शराबखोरी दुख्तरकशी और बदमाशी कमारबाजी इंसान की तबीयत सानिया बन चुके सन। इस तड़फ दी और सिसक दी हुई इंसानियत उत्ते
अल्लाह पाक नो रहम आया और अहले जमीन नो उस माशरे नो पूरी कायनात दे इंसानां नो एक ऐसे रहबर ते रहनुमा दी जरूरत आई जड़ा इन्हों नो हंदेरियां विचो कढ़ के ते रोशनी दी तरफ ले आवे जड़े बिखरे हुए सन इन्हों नो एक सफ दे अंदर खड़ा कर देवे और जो गैर अल्लाह की इबादत कर रहे सन उन्होंने अकेले अल्लाह के मुश्किल कुशा दे दर ते लै आवे। ओ अल्लाह पाक ने आमना दे लाल पैकरे हुसनो जमाल मेरे और आप दे दिलां दी बहार जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह प्यार ते मुहब्बत नाल कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शकल मुबारका दे अंदर अनायत फरमाया इनाम फरमाया और मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी दे शबो रोज इस अंदाज दे विच गुजारे ने कि आप दी सुबह भी बेमिसाल है रात भी बे जिहड़ी ये मसाउदी मिसाल ही कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलात व सलाम दा लड़कपन भी सब नालों आला आप दा बचपन जिहड़ा ये भी बेमिसाल है और आप दी जवानी जिहड़ी है ये भी बेदाग है। जिस तरह कुराने पाक दे हरूफ दे अंदर इस दे सपारियां ते सूरतां दे अंदर कोई शक नहीं है इस तरह ही मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरी सीरत तय्यबा जिहड़ी है ये रोजे रोशन दी तरह अज जिस तरह जिहड़ा सूरज चमकदा दमकदा पिया इस तरह मेरे इहदे नालों वध के मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद दी सारी जिंदगी चमकती ते धमकती है पई। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलात व सलाम ने अपनी जिंदगी दे शबो रोज इस तरह गुजारे ने कोई अज ये नहीं कह सकता कि वेखो जी मैनू जिंदगी गुजारन वास्ते किसी पासों रहनुमाई हासिल करन वास्ते मेरे सामने कोई दस्तूरे हयात और जाबता या अखलाक नहीं। अगर वह बाप है तो ओदे वास्ते सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां दे वालिद मोहतरम जिहड़े ने बेहतरीन नमूना ने और अगर कोई खावद शोहरे ओदे वास्ते सैयदा ए कायनात माँ जी आयशा सदीका ताहिरा तय्यबा रजी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां दे शोहर जिहड़े ने बेहतरीन नमूना ने और अगर कोई नाना वे तो ओदे वास्ते जनाबे हसन करीमैन शरीफैन दे नाना मोहतरम ने अपनी जिंदगी दे सुनहरे नकश छोड़े ने और अगर कोई ताजर है मार्केट च बैठिया होया है दुकानदार है या गाहक है तो ओदे वास्ते आमना दे लाल अले सलात व सलाम ने भी अपने फरमान जड़े ने छोड़े ने और अगर कोई पड़ोसी है ओदे वास्ते भी हुक्म मौजूद है। अगर कोई जनाब जी चीफ जस्टिस है काजी अल कजा हाकम है ओदे वासे भी आमना दे लाल अलैहि सलात व सलाम बेहतरीन नमूना ने और अगर कोई सिपा सलार है ओदे वासे भी आमना दे लाल अलैहि सलात व सलाम उसवा हसना रखदे ने। हजरात गोया के साबित हुंदा है कि जिंदगी दे हर एक शोबे दे अंदर जिंदगी दे हर एक मामले दे विच आमना दे लाल अलैहि सलात व सलाम सारी कायनात दे वासे उसवा हसना अल्लाह ने बना दिते ने और उस असना उसनू बनाया जाता है जिदी खलवत भी पाक होवे जलवत भी बेमिसाल होवे वो दोस्तां दे विच बैठिया होवे ते तां भी नमाया होवे और अगर तनहाई दे विच होवे ते वो भी जनाब जी साहब नालों आला होवे। और मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलात व सलाम अगर मक्का मुकरमा दे अंदर सन फिर भी सब नालों आला अगर मदीना मनवरा दे अंदर सन फिर भी सब नालों आला अगर आप गारे हिरा दे विच तशरीफ फरमा सन फिर भी बेमिसाल सन और अगर आप गारे सोर दे अंदर गए ने ते मेरे पैगंबर उत्थे भी सब नालों आला अगर आप ओहद दे मैदान दे विच सन फिर भी लाजवाब सन बदरो हनैन दे विच सन फिर भी आप सब नालों आला ते अफजल सन। मेरे पैगंबर अलैहि सलात व सलाम अगर मेराज ते असरा ते गए ने तो रब्बे काबा की कसमें फिर भी सब नालों आला और अज जिस जमीन दे टुकड़े ते
मेरे ते तुहाडे नबी अलैहि सलात व सलाम लेटे हुए ने। मैं अकीदत दे नाल आला बसीरत कहना वा जिस जगह ते पाक पैगंबर इस वक्त आराम फरमा रहे ने इन्हां ते रब दा जन्नतुल फिरदौस दा टुकड़ा आला नहीं जितनी ओ जमीन अजमत है शाना वाली है। मेरे ते तुहाडे नबी जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा करदार की है, आप दा जरफ की है। अज माशरे दे अंदर कोई सियासतदान है, कोई उलमाए तबके दे नाल तलक रखता है, कोई किसी शोबे दे नाल तलक रखता है, अपने मुँह आप ही कहता है जी मैं बड़ा आला वा, मैं बड़ा अफजल हाँ, मैं इंज कर दिता। हो सकता उनकी गल सच्ची हो, पर असल बंदे का कमाल है कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करन ते मजबूर हो जाए। और आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह सारे कह दियो सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दी आपणियां ने नहीं बेगानियां ने भी तारीफ कीती है। और दोस्त ते तारीफ करदे ही रहंदे ने, असल ते गल है कि दुश्मन दे मुंह दे विच भी तारीफां निकलन। और आमना दे लाल अलैहि सलात व सलाम वो वाहद शख्सियत ने जिन्हां दी आपणियां ने बेगानियां ने शमाल वालिया ने जनूब वालिया ने मशरक ते मगरब वालिया ने अता के रब दियां फरिश्तियां ने। ओए मैं गल मुकदी मुका पूरी कायनात दे खालक ते मालक ने इस पैगंबर दियां सिफतां फरमा दित्तियां। और मेरे पैगंबर अलैहि सलात व सलाम दे ना खिलाफ सही उल बुखारी शरीफ किताबुल मनाकब दे विच ए हदीस और वाकिया मौजूद है, और दीगर कुतबे सीरा दे अंदर ए बात जड़ी है मौजूद है। दारुन नदवा दे अंदर या किसे मकाम दे ना मुशरकीन मक्का दा बहुत बड़ा एक इकट्ठ है, ये बड़े बड़े नामी गिरामी सरदार ते चौधरी ते रईस जागीरदार रस्सागीर जड़े ने उत्थे बैठे हुए ने, और मौजू के सलावां ते मशवरे की ने सारे परेशान ते हसद दे विच आए ने कि मुहम्मद जिधर जांदा छा ही जांदा। अल्लाह अकबर, कोई ऐसा मनसूबा कोई ऐसी तजवीद कोई ऐसा मशवरा कोई ऐसी सलाह देवो ताकि मुहम्मद नू जिहड़ा वे इहदी दावत रोक दी जाए और उन्हों परेशान करके घर दे विच ही रहन ते मजबूर कर दिता जाए। ये सारे बैठे ने और अपने मुँह अपनियां गल्लां पे करते ने मशवरे पे देंदे ने। कोई कहिंदा है कि मुहम्मद जिहड़ा दीवाना है उन्हों तुसी पागल माज अल्लाह आखो। कहन वालिया ने आख्या वो तेरा अपना दिमाग खराब होया, असी मुहम्मद का लड़कपन देखिया, मुहम्मद का बचपन देखिया, वो सोने का असी जिहड़ा वे जवानी वेखीए, मुहम्मद दे विच इहो जिहा कोई ऐब पाया। ऐ जे असल जड़ी बात के दुश्मन भी तारीफ करन ते मजबूर हो गया। अल्लाह अकबर, एक उन्हां जालमां दे विच पुकार दे ते कहंदा इस तरह करो अगर मुहम्मद नूं तुसी परेशान करना है मुहम्मद दी दावत तो ही दवाली अगर तुसी रोकनी है ते ओदा नाम बिगाड़ो ताकि उन्हों दिली तकलीफ होवे। और मुशरकीन मक्का ने हर तरह दियाँ तकलीफा जिस्मानी रूहानी कलबी माशी तकलीफा बचाइया, तो इन्हां बदबख्तां ने सलाह कर ली है कि सोने महबूब का नाम उन्होंने बदल के मुजम्मम कहना शुरू कर दिता है। ये सलाह तो मशवरा हो गया, तो कीतियां हुई गल्लां कदी छुपियां नहीं रहंदियां, एक गल्लां चलदियां चलदियां सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कोले आ जांदियां ने। हालत तदाद वे के हालत थो जड़ी है ये तदाद सहाबा इकराम दी थोड़ी है। और मेरे पैगंबर अलैहि सलात व सलाम ये छुप छुप के लोगों नूं तबलीगां पे करदे ने, ये थोड़े जे लोग जड़े ने दारा इस्लाम दे विच दाखल होए ने। ते इन्हां कोले जिसले मुशरकीन दियां गल्लां पहुंचियां ते परेशान हो गए, ते आमना दे लाल अलैहि सलात व सलाम ने देखिया कि मेरे पैरोकार मेरे कलमा पढ़ने वाले परेशान परेशान ने। फरमाया की गल है क्यों इतने परेशान रहंदे हो? सहाबा कहंदे ने महबूबा दुश्मन एक पलान दे तहत आप दा नाम बिगाड़ के आप नूं मुजम्मम कहना शुरू कर दिता है। हजरात मेरे पैगंबर दा ज़र्फ़ कि वो जिहा है कितनी बड़ी गाली
ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਯੂੰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿ ਕਲੀਓਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਪੜ ਗਈ, ਲੱਭ ਹਲਾਏ ਕਿ ਗੁਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਫੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਸਕਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾ ਤਾਜਬੂਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭੋ ਸੁਦਮ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ੰਮਮ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਬੀ ਮਾਂ ਮੋਹ ਫਾਬੀ ਮਾਂ ਰਹਿਮਤਿ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਲਿਨਤਾ ਲਹੁਮ ਵਲਉ ਕੁਨਤ ਫਜ਼ਨ ਗਲੀਜ਼ਲ ਕਲਬਿ ਲਨ ਫਜ਼ੂ ਮਿਨ ਹੌਲਿਕਾ ਫਾਫੁ ਅਨਹੁਮ ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਮ ਵਸ਼ਾ ਵਿਰੋਹਮ ਫਿਲ ਅਮਰ ਫਾਇਦਾ ਅਜ਼ਮ ਤਾ ਫਤਵਕਲ ਅਲਲਾਹ ਇਨਲਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਮੁਤਵੱਕਿਲੀਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਖਤ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਲਨ ਫਜ਼ੂ ਮਿਨ ਹੌਲਿਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪ ਕੇ ਆਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਨ ਫਜ਼ੂ ਮਿਨ ਹੌਲਿਕਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਾ ਇਨ ਅਜ਼ਮ ਤੋਂ ਫਾ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਰਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਇਨਲਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਮੁਤਵੱਕਿਲੀਨ। ਅੱਲਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਵੱਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਨਗੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਕਲਮ ਮਜਨੂਨ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜਨੂਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਬੀਦਾ ਖਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਮਜਨੂਨ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਫਿਤਰਤੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਬੀ
शहीदाए खातर हो गए ने। इतना बड़ी बात मुशरिकीन ने मक्का ने कर दी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम ने जख्मी नगावां आसमान की तरफ उठाइया होण दियां ते मेरे अल्लाह फौरन अपने पैगंबर दा इक ते चेहरा भी वेखदे रहिंदे ने। फौरन अल्लाह पाक ने अपने नबी दियां दिल बबस्तगियां फरमा दित्तियां ने। पिखी शरीफ दे रहण वाले हो, शेखोपुरे दे किताबो सुन्नत दे परवाने हो, आजी तनवीर साहब दे इस मरकज विच आके किताबो सुन्नत दियां बातां सुनन वाले हो ते मरकज नूं आबाद करने वाले हो। किसे बंदे दा कोई मुकदमा हुंदा उहदा वकील सफाई तुहाडी बार शेखोपुरे दा कोई वकील होवेगा। किसे दा कोई मुकदमा होवेगा उहदा वकील सफाई हाई कोर्ट दा कोई वकील होवेगा। किसे दा मुकदमा अगर सुप्रीम कोर्ट दे अंदर चला गया है ते उहदियां सफाइयां ते तहफ़ुज़ डिफेंस करन वास्ते कोई सुप्रीम कोर्ट दा कोई आला वकील होवेगा। ओए उस बंदे दी अज़मतां ते रिफतां दा क्या कहना जिहदियां सफाइयां रब्बुल आलमीन आप ही दे रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह अपने पैगंबर दियां आप ही सफाइयां फे दिंदे ने। अपने पैगंबर दे जख्मी दिल दे उते अल्लाह आप ही मरमा पे रखदे ने। और मेरे पैगंबर दा सरफ कह लगे वो जे आवे हजरात जरा तवज्जो फरमांदियां जाना। मुस्लिम शरीफ है किताबुल जुमा हदीस नंबर 2008 है। मेरे ते तुहाडे नबी अलैहि सलात व सलाम मक्का पाक दे अंदर ने हजरत कबीले दा एक नामी ग्राम हकीम है जिस तरह अज ना हकीमां डॉक्टर का बड़ा नाम है उस वे हकीमां का बड़ा शोहरा ते चर्चा होंदा सी। ए जमाद नामी हकीम ना अल्लाह दे घर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करन वास्ते आ गया। अल्लाह मैनू तुहानू भी नसीब फरमा दे। दुआ करो अल्लाह सानू मापिया औलादा समेत अपने घर बैतुल्ला शरीफ की अल्लाह जियारत नसीब फरमा दे। बैतुल्ला दे तवाफ तो फारग होया जो उस वक्त मौजूदा निजाम सी उहदे मुताबक उन्हें उमरा कर लिया ना ते ए बैठा एक पासे हो के मक्के वाले सारे कट्ठे हो जांदे ने। ए चूंकि हकीम भी सी तबीब भी सी ए जिन्हों जादू या हो जांदा सी या जिन चिमड़ जांदे सन ना ए उहदा इलाज भी करदा सी। जिस तरह अज एक कारोबार बन चुके है। अल्लाह पाक साडियां इज्जतां दी हिफाज़त फरमाए। 99% जिहड़ा मामला गलत हुंदा है जिन चिमड़ गए ने जी जादू ने असर कर लिया फलां जी घर दे विच वहम दे मरीज असी बन गए हाँ साडा अकीदा घट हो गया तलावत कुरान घरां विच नहीं रही उत्थे मीडिया आ गया है। रात दे 2-2 बजे तक ड्रामे केबलां दे ए मोबाइल दे उत्ते तां ही ते घरां दे विच बेसकूनी दे वजे माहौल ने। ए कहन लगे ए जमाद तू चूंकि हर तरह का इलाज करना है ते इत्थे मुहम्मद सारे कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स है वो माज अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशद ये मक्के वालियां दे अल्फाज ने कि उहदा दिमाग काम नहीं करदा। आखो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ते तू जा के ना मुहम्मद दा इलाज कर। ऐ की है ये वो कहंदा कि साडे जिहड़े बाप दादा दे खुदा ते इलाह ने ना जिहड़े अल्लाह दे घर दे विच पे ने ये कुछ नहीं करते करन वाला कौन है। ते अहले हदीस दी दावत की है मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का पैगाम की है कि मुश्किल कुशा ते हाजत रवा एक ही अल्लाह है। ये नबिया की दावत है ये अहले हदीसा की दावत है ये सदीक की दावत है ये अहले हदीस की दावत है। अल्लाह जुल जलाल की कसमे जेड़े उस वक्त दे सहाबिया की दावत सी वही अज दे वहाबिया की दावत है। और उस मिशन
मरकजी जमीयत अहले हदीस ने अपनाया हो मेरे ते तुहाडे नबी अलैहि सलातो सलाम दे दरद दौलत ना जमात ने जिस तरह पड़काया सी आके दस्तक दिंदा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया होएगा पूछा होएगा मन अकरउल बाब भाई कौन है दरवाजा खड़कान वाला इन्हें अपना तारफ करवाया होएगा। मेरे ते तुहाडे नबी अलैहि सलातो सलाम ने ना मैं रहीकुल मखतूम के अंदर पढ़िया है दरवाजा खोलिया अंदर बुलाया तो घर ना एक चटाई पे सी खजूर दी उसनु पकड़ के झाड़ के जमीन ते बछाया फरमाया जमाद तो मुहम्मद दा मेहमान है इस चटाई ते बैठ जा मुहम्मद जमीन ते बैठ जाते हैं किधर आए हैं क्यों आए हैं खैर है लैक सलैक खाण पीन तोहफा तवाब खैर है ऐ जी मैनू मक्के वालिया ने भेजे है मैनू फलां फलां ने भेजे है तो उन्होंने आख्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह तुसी पागल हो गए हो तुहाडे ते जिन्ना दा असर हो गया है तुहाडे ते किसे माज़ अल्लाह जादू कर लिया है ते मुहम्मद दसो कफीयत की है ते मेरे पैगंबर अलैहि सलात वसलाम ओदे सख्त जुमले ओदे सख्त अल्फाज जहर नालो कोड़ियां गल्लां सुन के मेरे पैगंबर परेशान मेरे पैगंबर गुस्से विच नहीं आए साढ़े मजाज के कोई खिलाफ गल हो जाए सही ते असी जो कुछ करने सानू सारू पता है और जो अमना दे लाल दा करदार है वह जरा समान फरमा लो। मेरे पैगंबर ने हल्का जिहा तबसम फरमाया मेरे पैगंबर हल्का जिहा मुस्कुरा पैंदे ने यूं मुस्कुराए के कलियों में जान पड़ गई लब हलाए के गुलस्तान बना दिया ते मेरे पैगंबर अलैहि सलात व सलाम यही खुतबा जेड़ा तुसी हर उलामा दे कोलू खुतबा जुमा दे विच सुनदे हो ना मेरे पैगंबर खुतबा पढ़ते ने पे ते नाल ही फरमांदे ने वा मैं यहदे हिल्लाहु वला मुज़िल्लाहु वा मैं युज़लिलु फला हादियाला के मेरा रब ओए जिहड़ा हदायत देन ते आंदा ते उहनूं कोई गुमराह नहीं कर सकदा ते जिहनूं रब गुमराह करन ते आवे रस्ता पटका देवे ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਿਮਾਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਲ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਓਏ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਏ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ जरा मैं तो तुसी अपनिया जबाना का ख्याल करिए असी भी तो वेखीए ना इस नबी की तलीम की है साढ़े वास्ते असी बीवी नू बोलने ते गाल तो बगैर इंजे गल नौकर नू गाला मुलाजम नू गाला भैन नू गाला भरा नू गाला बेटिया नू गाला ये साडा माशरा ये गल्लां सी कित्थों सहलियां ने नबी ने ए वजी तलीम छोड़ी ते मेरे पैगंबर पढ़ी जाते ने ते जमात दे दिल दे उत्ते असर हो गया है इन्हें इहो जिहा उमदा ते मिठा कलाम किसे कोलो सुनिया ही नहीं सी ते कहन लगा मुहम्मद है की में ए खुद इलाज करन आया है ते हुण मेरे ते तुहाडे नबी दे तरले वास्ते पांदा पिया कहिंदा सुनिया मुहम्मद तुहानूं रब दा वासा जे इन्ना उमदा ते मिठा कलाम मैं अज तक सुनिया ही नहीं तुहानूं रब दा वासा जे दुबारा पढ़ के सुना दिओ। ओए असल दावत ए वे कि लोग तुहाडे जबान तों ते तुहाडे करदार तों मुतासर हो जावन तुहाडे करवीदा हो जावन ते मेरे नबी अलैहि सलाम ने दोबारा पढ़ के सुनाया ए फिर तरले करदा कहंदा है मुहम्मद मैं खुद भी तुहानू पता अरबी दाना मैं अरबी दी फहमो फरासत नू समझना वा पर सोने इतना उमदा ते बेहतरीन कलाम
अज तक मैं किसे पासो सुनिया ही नहीं। तुहानू रब दा वास्ता जे एक बारी दोबारा पढ़ के सुनाओ। पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम तीसरी बार पढ़ते ने ते जिस वेले आंदे ने अशहदु अल्लाह इलाहा, पढ़ लो कलमा ही है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। ए क्यों ना कलमा पढ़दा? अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे ने फबिमा रहमति मिनल्लाहि लिनत लहुम वलौ कुन्त फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लन्फज्जु मिन हौलिक फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अमर फ़इज़ा अज़मत वतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मेरे नबी अलैहि सलात वसलाम दा ज़रफ है। हज़रात इब्न मुस्लिम शरीफ दी रिवायत है, किताबुल फ़ज़ाइल है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने घरों बाहर निकलते ने ते अंदाज ते कफियत वे बड़े ही गमगीन ने, अखां दे विच आंसू ले होए आके मस्जिद नबी दे कोने विच बैठ के रोई जा रहे ने। इन्हां दीआं सिसकियां आमना दे लाल अलैहि सलात वसलाम दे कन्ना दे विच वी पै जांदियां ने। आमना दे लाल अलैहि सलात वसलाम बड़ी जल्दी दे नाल बड़ी शताबी ते तेजी दे नाल मस्जिद विच तशरीफ लियांदे ने। वेख्या कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रोंदे ने पे, मेरे पैगंबर ने उन्हां नूं अपने कोले तलब फरमाया। एक रवायत है कि मेरे पैगंबर खुद चल के अबू हुरैरा दे कोले जांदे ने, अबू हुरैरा नूं उठाए के अपने दिल दे सीने दे नाल ला लिया वे, अलम नशरा दे सीने दे नाल लगा लिया। वाह अबू हुरैरा तुहाड़ियां अजमतां दा क्या कहना, तुहानू कोई हौसला सबर ते तसलियां भी पिया देंदा ते आमना दे लाल पे देंदे ने, तुहानू हौसला भी मिलदा पिया, तुहानू सबर तसलियां दे नाल कोई सीने नाल भी लांदा पिया ते आमना दे लाल ला रहे ने। ओए बच्चा रोंदा उहनू मां तसलियां देंदी है, बेटा रोंदा वे बाप दस्ते शफकत सर ते रखदा वे, ए नानके आ जांदे ने, कदी चाचा फुप्पी खाला मासी आ जांदियां ने, ए आके बच्चे नू तसलियां देंदे ने, कहंदे ने बेटा ना रो असी ते हैं वा। वाह अबू हुरैरा तुहाड़ियां अजमतां दा क्या कहना, तुहानू आमना दे लाल अलैहि सलात वसलाम दा हौसला भी मिलदा पिया ते अलम नशरा दा सीना भी मिलदा है पिया। मेरे हुरैरा की गल है, क्यों परेशान हो? ते अखां विच आंसू आ गए, कहन लगे महबूबा अज मैं अल्लाह दा पैगाम आप जो दावत तौहीद दे रहे हो अपनी वालदा ए मोहतरमा की खिदमत दे विच पेश कीती है, ते महबूबा वालदा जिहड़ी है ना गुस्से विच आ गई है, मेरी वालदा ने तअसब दा इजहार कीता ला इलमी विच ना जिद विच आके, ते मेरी वालदा ने आप दे मुतल्लक नाज़ेब कलिमात कह दिते ने। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ते महबूबा बर्दाश्त नहीं होए, मां सी ना कुछ कह नहीं सी सकदा, मां सी ना अल्लाह दे रसूल आप दी गुस्ताखी कीती है ते मां सी ना कुछ कह नहीं सकदा। नौजवाना जरा गौर कर, अज तू बीवी दे आखे लग के मां नूं तक्के पिया देना, ओए बीवी दे आखे लग के मां अपने बाप नूं गाला पिया देना, मां नूं कहना काले मूंह वाली मैनू वसण ही नहीं देंदी, बाप दे मुतलक तेरे ए नजरिए ने कि अब्बा तू मेरे वास्ते कीता की है। इधर आमना दे लाल ने ते उधर वालदा मोहतरमा है। अल्लाह दे नबी अलैहि सलात वसलाम फरमांदे ने अबू हुरैरा कोई गल नहीं, अबू हुरैरा कोई बात नहीं, महबूबा फिर इस तरह करो मेरी वालदा दे वास्ते
से हदायत दी दुआ करो। पैगंबर दा सरफ ते वेखना, पैगंबर दा हौसला ते वेखना, अपने पैगंबर अलै सलात व सलाम दा सरफ ते देखना। मेरे पैगंबर ने अपनी रहमत वाले हाथ उठा लेने ते अल्लाह दे अगे दुआवां पे फरमांदे ने, अल्लाह महदे उम्मा अबी हुरैरा, उधर गाला ने इधर हदायत दिया दुआवां ने। मुसलमाना जरा गौर कर ला शेहूपुरिया, भिखी दे रहन वाले उधर गाला ने इधर हदायत दिया। अपना तो सिर्फ वेखना, कोई तंग करदा है, मां प्यो औलाद तंग कर दी है, किसी वेले मापे भी तंग करना शुरू हो जाते ने। किसी नूं पड़ोसी तंग पिया करदा है, दुकानदार तंग पिया करदा है, ते ओदी बर्बादी दे वास्ते दुआ ना करो बल्कि हदायत दी दुआ करो। अल्लाह नूं हदायत अता फरमा, अल्लाह मेरा बेटा गुस्सा हो गया है, अल्लाह नूं हदायत अता फरमा। और दुआवां कबूल करन वाला कौन है? बोलो तो सही ना। ते अल्लाह ते बार बार कह रहे ने कि आ मेरे बंदिया, तू मेरे को कुछ मांगते सही, तू तमन्ना ते कर, तू आरजू ते पेश कर। और बाबा जी अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमता फरमा जाए। ओ की कहंदे ने, आ मंग लै जो कुछ चाहना है, ओ तू मंगते सही, ओ आ मंग लै जो कुछ चाहना है, तेरा रब हां क्यों शर्माना है, ओ दस गैरां दे बुए ते क्यों जाना है, पड़ोला इलाहा इल्लल्लाह। कहंदे ने मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, कोई दूर महल बनाया नहीं, अगे चौकीदार भी बठाया नहीं, पड़ोला इलाहा। अल्लाह दे नबी दुआ फरमा रहे ने, ओ कितने खुशकिस्मत लोग ने जिन्हां दे वास्ते आमना दे लाल ने दुआवां फरमाईयां ने। ते दुआ हो रही है, ते नबी पाक ने नहीं फरमाया ऐ अबू हुरैरा जा मैं तेरी मां नूं हदायत दे दित्ती। हदायत कौन दिंदा? وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل دے وچ خیال آیا ہے، دل دے وچ ایک سوچ فکر آئی ہے، اے ابو ہریرہ نبی کائنات نے دعا فرمائی ہے، ذرا پتہ تے کر تو اپنے گھر پہلنا या तेरे नबी दी दुआ रिश्ते पहला जांदी है। ओए मापिया दियां दुआवां लव्या करो, मापिया दियां अपने वालदैन दियां दुआवां लव्या करो, ओए बुजुर्गां दे कोले जाया करो, उन्हां कोलों दुआवां लवो। बुजुर्ग जिहड़े जिंदा ने उलमाए किराम दे कोले जाया करो, उन्हां दे कोलों दुआवां करया करो, करवाया करो, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया अल बारका तो मा अका बेरा कुम, और लोगो बरकत इज्जत जड़ी है बड़ियां दी खिदमत विच मिलदी जे। मुश्किलां रब टाल दिंदा है। ते हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनहो उथों दौड़दे ने, बड़ी तेजी तेजी दे नाल आंदे ने, ते आके दरवाजा खोलदे ने, ते वेखदे की ने दरवाजा बंद है, कन ला के सुनदे ने अंदरों बर्तन खटकन दी ते पानी गिरन दी आवाज आंदी है। ते कहंदे ने अबू हुरैरा तू अपने घर बाद विच आया, तेरे नबी दी द्वारिश्ते पहला पहुंच गई आ। मां ने गुसल किया, जल्दी दे नाल कपड़े चेंज किए, तब्दील किए, ते दरवाजा खोलिया, नबी दी अशरफ वेखो, नबी दियां दुआवां वेखो। मां थोड़ी देर कबल जिहड़ियां गालां पी दिंदी सी, उत्थे हुण मुहब्बत दे चश्मे फुट पे ने, उत्थे मुहब्बत ही आ गईयां ने। ते मां कहंदी कि ए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए क्यों ना कलमा पढ़ दी? अल्लाह पाक इरशाद फरमांदे ने हुवल्लज़ी
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. मेरे पैगंबर हर जगह ते छा जान दे, ए रब फैसला फरमा रहे ने, ए अल्लाह ऐलान पे फरमा रहे ने, फरमाया वलौ कुंता फज़्ज़ा ग़लीज़ल क़ल्बी, ए मेरे महबूब अगर तुसी सख्त मजाज होंदे, ज़बान दे सख्त होंदे, तुहाडे दिल दे अंदर कोई कदूरत बह जांदी ते रब दा फजल ते करम ना हुंदा. फरमाया अज जिहड़ी तुहाडी दावत फैलदी है पई, अज शाम ते अराक दी फला फला जड़े आके तुहाडे कदमां विच बह गए ने, मेरे पैगंबर कदी भी तुहाडे कोले ना आंदे. ऐ मेरे पैगंबर इन्हां वास्ते इस्तगफार दीआं दुआवां फरमाया जे, इन्हां दे वास्ते मफरत करिया जे, दुआ करिया जे, और ऐ मेरे महबूब जी इन्हां दे नाल मुशावरत भी फरमाया जे. फा इन अज़म ता तवक्कल अल्लाह, तुहाडे नबी जनाबे मुहम्मद. सारे कह दियो प्यार दे नाल कह दियो, साडे कोले ते इक्को ही जात है मुहम्मद, और है वे इक्को ही सरकार है. अल्लाह साडी तरफों अपने नबी ते अपनी शान दे मुताबिक दरूदो सलाम नाजल फरमा देना. आप दे घर दा महासरा कीता होया, तलवारां कढ़ियां ने, शहर दियां पाना चढ़ाइया ने, और मुंह ते नकाब लगाए हुए ने, ते अरादा ते पलानक ते साजिश है वे कि अज असी मुहम्मद नूं नहीं छड़ना सल्लल्लाहो. ते रब ने फरमाया ये तुहाडियां साजिशां ते मनसूबे इत्थे ही रह जाने ने, मैं अपने महबूब नूं तुहाडे इन्हां घेरियां विच कढ के लै जाणा ते तुहानूं खबर भी नहीं होनी. और नवा सपारा है सूरत अनफाल है, इहदी आयत नंबर 30 है. मक्के दे मुशरकां ने जिहड़ा पलान कीता होए वे कि अल्लाह फरमांदे ने इज यम करो बेकल्ला दीना काफरू ले युसबे तू का औ यक तो लू का औ योहरे जू का वायम करो ना वायम करुल्ला वल्लाहो खैरुल माकरीन. उन्होंने पलान कर लिया है ले युसबे तू का पैगंबर जी तुहानू कैद कर दिता जाए ओ यक तो लूका या तुहानू कतल मास हल्ला कर दिता जाए ओ योहरे जू का या तुहानू इथों कर दिता जाए. अल्लाह फरमांदे ने वायम करो ना वायम करो ला. अल्लाह फरमांदे ने उन्होंने पलान ते बड़ा आला किया है, उन्होंने ये मकर ते बड़ा आला किया है, मगर मेरे महबूबा इन्हू पता नहीं कि मैं हर एक चीज़ से कादर हाँ, मैं हर एक चीज़ से. सारी दुनिया एक पासे हो जाए ते रब बचावन ते आवे ते उन्हों कोई मार सकदा, ते जिन्हों रब मारन ते आवे बाडी गार्ड भी ने, ओए बंब डिस्पोजल जेड़ियां चीजा बैग भी मौजूद ने, जैकटा भी मौजूद ने, ते जे रब दी तरफों हार गई है ते उन्हों कोई उथे बचा सकदा. अल्लाह ने अपने महबूब नूं उन्हां दे घेरे विचों कढ़िया, राह दे विच एक चौकी तो बचाया, गार विच हफाजतां फरमाईयां, सराका बिन मालक दे अमले कोल बचाया, ए बदर विच मत्तां फरमाईयां, उहद विच हफाजतां फरमाईयां. अज आमना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 दा लश्कर तैयार कीता है, इन्हां 8 सालां विच मेहनत करके ते दिन दी रोशनी विच ना मक्के ते चढ़ाई कर दित्ती है, ते नाल ही फरमाया जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਰੀਮਾਂ ਪਾਊਡਰ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਘੀਆਂ ਸੁਰਮੇ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅਤੇ ਆਪ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਾਮਾ ਹਮਾਦੁੱਦੀਨ ਦਮਿਸ਼ਕੀਆ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਕਸੀਰਾ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਅਲਬਦਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 3,500 ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਗਲੂਬ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਊਣ ਦੀ ਓਜਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਮਜਨੂਨ, ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਖਬੈਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਖਬਾਬ ਨੂੰ ਖਬੈਬ ਬਿਨਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਲਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਬਾਬ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਡ ਸੁਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੀ ਸਮੈਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਨੈਰਾ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਯਾਦ, ਔਰ ਮੇਰਿਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੋਕ ਕਰਾਂ। ਓਏ ਪਿੱਖੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸਰਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਕਰੀਮ ਬਾਪ ਦੇ ਕਰੀਮ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੋ ਉਠਾਇਆ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਅੰਤਾ ਮੁਤੋਲਾ ਕਾਓ ਲਾ ਤਸਰੀਬਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲਯੌਮ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਜਾਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
जाओ मैं तुहानू माफ कर दिता, तुसी जेड़ा जेड़ा जुलम कीता है, जेड़ियां ज़ियातियां कीतियां ने, जेड़े सितम कीते ने, जाओ मुहम्मद ने सारे ही माफ कर दिते ने। अल्लाह ज़ुलजलाल दी कसम है, इन्होंने जिसले सुनिया कि नबी मुहम्मद सच्चे ने, इस करीम नबी ने साढ़े गुना जुर्म माफ कर दिते ने, ये भी फिर कह लगे ना शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अल्लाह फरमांदे ने महबूबा अगर तुसी सख्त मजाज होंदे, सख्त दिल होंदे, मेरे तुहाडे दिल दे अंदर अगर रहम ना होंदा, तुहाडे दिल दे उत्ते अल्लाह दी अगर हुकूमत ना होंदियां, अल्लाह दा फजल ना होंदा, लन फजो मिन हौलिका, ओ पिखी दिया रहन वाले हो मेरे दोस्तों, मैं दसना ये जाना वा अल्लाह दे नबी पाक ने ते उन्होंने माफ कर दिता वे। ओ दसो ना असी किस वे माफ करांगे, अपने बेटे की गलती नू किदे माफ करांगे। ओ औलादे ओ दसना मापियां कोल भी ते गलतियां हो जांदियां ने, दस तू अपने वालदैन नू गलती उन्हां दी किस वे माफ करेगा। ओ भैणां नू घर ना वड़न देण वालिया, ओ दस अपनी भैण नू किदन माफ करेगा। ओ दिन दे विच काला गलोच कोलो कम लैन वाले आ, कहन लगा जी जब तक मैं बदला ना लवा मैनू चैन ते सकून नहीं आंदा। ओ दस ना नबी दे दुख दे नालू तेरा दुख ज्यादा ते नहीं है, तेरे दिल दे अंदर क्यों रहम नहीं आंदा, तू क्यों नहीं माफ लोगों नू करना है। और रात नू रोक रोक के कहना है अल्लाह मेरे गुनाहों नू माफ कर दे, ते लोगों दियां गलतियां नू क्यों नहीं माफ करदा। आमना दे लाल अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया है, और अज मेरे वीरा छोटिया छोटिया गलतियां छोटिया छोटिया बातों असी पहाड़ बनाए हुए ने, अदालतां भरिया ने, ते छोटिया छोटिया गल्लां ते गलतियां जेड़ियां ने उन्होंने असी पहाड़ ते अनानियत बनाया है। आमना दे लाल अलैहि सलात व सलाम ने फरमाया है, अभी दाऊद दे विच रवायत 4800 नंबर हदीस है, पैगंबर ने फरमाया जिहड़ा बंदा हक दे उत्ते मौजूद है उहदे कोले प्रूफ भी मौजूद ने, उदे कोले गवाह भी मौजूद ने, है भी सच्चा है, मगर इसे बावजूद वह अपने भरा की गलती नू माफ कर देंदा है, अपनी हमशीरा की गलती नू माफ कर देंदा है, अपनी औलाद की गलती नू माफ कर देंदा है, अपने मापियां की गलती नू माफ कर देंदा है, अपने पड़ोसियों की गलती नू माफ कर देंदा है। आमना दे लाल अलैहि सलाम ने फरमाया मैं जन्नत के अंदर 60 मीलों से फैलिया होया खूबसूरत सोने का माल, 60 मंजिला, हर मंजिल ते 60 कमरे, मैं मुहम्मद ओदे वास्ते जन्नत दे महल दी जमानत दे देना वा। ओ क्यों नहीं माफ करदा, ओ बीवी दी गलती हो जांदी है, ओ क्यों नहीं माफ करदा। ओए बीवीए मेरी ये भैने हामद को भी गलती हो सकती है, माँ प्यो औलादा गलतियां करते आए ने, ओ क्यों नहीं असी माफ कर दे। वे लोगों तो कहना पुत चलना मैनू फलाना काम करवा दे, वे नौजवाना घर ही मौलवी साहब को जाना मेरे वास्ते दुआ कर। वो अपने मापिया दियाँ क्यों नहीं दुआवा लेंदा, क्यों नहीं माफ करता। मेरे ते तुहाडे नबी जनाबे मुहम्मद सारे कह दे, आपने ना फतह मक्का तो पहला ऐलान फरमाया कि फला इब्ने फला जिथे मिल जाए उहदे वास्ते माफी नहीं कतल कर दियो। उन्हां विच इक हबार इब्ने असवद भी है रजी अल्लाह ताला। ये आखिरी बात मैं करन लिया, वाकया अर्ज करन लिया, मेरे नबी ने फरमाया जिथे लभे उन्हूं माफी। अल्लाह अकबर, आप फाते दी असीयत नाल मक्के विच तशरीफ फरमा ने, रात दी तरीकी है, हबार इबने असवद अपने चेहरे ते कपड़ा सट के अपने चेहरे नू छपा के आमना दे लाल अलैहि सलातो सलाम दी खिदमत विच आया है, आके कहन लगा मुहम्मद सारे कह दियो अगर मैं इस्लाम कबूल कर लवां ते क्या मैनू माफी मिल जाएगी, गुनाह माफ हो जान दे। तेरे घर तेरा बेटा आंदे, तेरा भाई माफी मंगण आंदे, तेरी बेटी और तेरी भैन आंदी है, तू माफ नहीं करदा।
ਭੈਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਏ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਏ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਏ ਉਹ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਹਿਮਤ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਫਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣ ਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਮਰਲੇ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਕਰਵਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਾ ਹਟਿਆ ਓਏ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਬੇਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਵਰਿਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਲੂਲਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਏ ਹਬਾਰ ਇਬਨ ਅਸਵਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਬਾਰ ਇਬਨ ਅਸਵਦ ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚੰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਬੀ ਲੱਭ ਹਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਲਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸੋ ਆਏ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੋਂਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸੋ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤਾ ਹਬਾਰ ਇਬਨ ਅਸਵਦ ਉਹ ਤੂੰ ਹਬਾਰ ਇਬਨ ਅਸਵਦ ਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਹਬਾਰ ਇਬਨ ਅਸਵਦ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਬਾਰ ਇਬਨ ਅਸਵਦ ਕੌਣ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਏ ਸੈਯਦਾ ਊਂਠਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਊਂਠਣੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਏ ਬੀਵੀ ਵੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਵੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾ ਮੈਂ ਹਯਾ ਦਾ ਬੈਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਨਹਾ ਤਨਹਾ ਔਰਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਤੜਫਦੀ ਏ ਪਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਤੜਫਦੀ ਏ ਪਈ ਲੂਲਹਾਨ ਏ
कोले कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं, कोई एमरजेंसी की सहूलत मौजूद नहीं, कोले शोहर भी नहीं, कोले बाप भी नहीं, कोले कोई हमशीरा भी नहीं। ए ज्यादती कर रहा है, सजदा नू मारदा पिया, थक गया, सजदा उठी, अपने कपड़िया नू संभालिया, अपने जिसम नू संभालिया, पैगंबर दी साहबजादी दा हौसला, अपने आप नू समेटिया, डिगडी टैंदी किसे ने उठाया, मदीने पछाया। आमना दे लाल अली सलात वसलाम ने अपनी बेटी नू जिस वेले देखिया, अपनी साहबजादी नू इस हालत विच वेखिया, आप बेताब हो गए, उठ के बेटी की तरफ दौड़े, बेटी नू सीने नाल लगाया, बेटी दे भी सबर दे बंधन टूट गए। सैयदा आयशा नू पता चलिया, अम्मा जी हफ्सा आईया, अम्मा जी सलमा आईया, आके बेटी नू संभालिया। कुछ अरसे बाद सैयदा फोत हो गई, मेरे पैगंबर नू बेटी दा दुख कितना सख्त लगे है, फरमाया सारिया नू माफी दे दियो, मगर हबार इबने असवद नू माफी नहीं देनी। ये नबी दी बेटी दा कातल भी है, अज मेरे पैगंबर दे सामने बैठे है, सामने फौजी दस्ता खड़े है, सियापा ने तलवारां निकालियां हुई ने, फरमाया कुछ नहीं कहना, हबार इबने असवद तू मुहम्मद नू बड़ी तकलीफ देती है, मुहम्मद बेटी दे गम दे विच रो रो के बूढ़ा हो गया है, जा हबार इबने असवद मुहम्मद ने तेरा ये भी जुर्म जड़ा वे माफ कर दिता वे। ओए दसो भिखी वाले हो, असी कितन माफ करांगे, असी कितन माफ करांगे अपनी अमशीरा दी गलती नू, और माँ प्यो कदी असी माफ करांगे अपने औलाद नू, ओए अपनी बीवी दी गलती नू, ओ बीवियो असी कितन माफ करांगे अपने शोर दी गलती नू। ओ जड़े नबी दा असी कलमा पढ़ने आ, उस नबी दा ते सिर्फ है जे, ओ जड़े नबी दा कलमा पढ़ने आ, उस नबी दा ते ऐ कलमा जे, साडे विच गुस्सा, साडे विच अनानियत, तकबर भरिया है, बदला लैके छड़ना है, ये इस्लाम दा कोई मजाज नहीं, ये मुसलमान दा शेवा नहीं है। वो खुदा वास्ते माफ करना सीखो, अल्लाह तुहाडियां गलतियां माफ कर देगा। माफी 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 दया करो, जिदे कोल भी गलती हो जे इग्नोर कर दियो, वेखो रब इज्जत भी देगा, रब माल भी देगा, ज्यादती करन वाले शर्मसार होके तुहाडे कोल आके माफी भी मंगेगा, मगर शर्त ए वे कि उहदे विच अल्लाह दी रजा होवे, कि रजा होवे पैगंबर दी सुन्नत होवे। अल्लाह दे कोल दुआ है कि अल्लाह सानू भी ज़र्फ़े मुस्तफा दे मामला वाला मामला करन दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह साडे घरां दे अंदर सकून फरमाए, साडे शहरां विच सकून फरमाए, साडे मुल्क नू अमन दा गहवारा बनाए, साडे घरां दे अंदर, मसाजिद दे अंदर, दुकानां दे अंदर अल्लाह रहमतां बरकतां फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।